नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। हैदराबाद गैंगरेप पीड़िता के परिवार ने चारों आरोपियों के एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने चारों आरोपियों का एनकाउंटर किया है, जिसके बाद परिवार का यह कहना है कि अब उनकी बेटी दिशा की आत्मा को शांति मिलेगी। उनके पिता और बहन ने इंडिया न्यूज से खास बात की है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विक्टिम की सिस्टर। आपसे एक छोटी सी बात से जानेंगे कि जो घटना घटी है, हम खबर है, आपका क्या कहना है, क्योंकि वो लास्ट हमने बात की, आपने सही कहा कि जस्टिस तो नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या कहना है? जस्टिस तो कभी नहीं आएगी, हमारे दीदी कभी नहीं आएगी। फिर भी मैं सोच रही हूँ समाव दरवे उसको तो जस्टिस मिला है, क्योंकि जो भी अक्यूज्ड है उसको पनिशमेंट मिला है। और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि फ्यूचर में किसी के साथ ऐसे नहीं होना है। इसके लिए जो भी चाहिए, जो भी अमेंडमेंट्स लॉ में करना है, जो भी पनिशमेंट्स डालना है, वो सब करना है। आपसे पूछेंगे कि आपका क्या कहना है, कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके से जस्टिस मिला है कहीं ना कहीं? जस्टिस तो मिल गया है, अभी पूरा मेरा साथ पूरा दुनिया है। मैं उन लोगों को धन्यवाद दे देता हूँ, पुलिस और गवर्नमेंट पूरा एक्शन लेके। ये उन लोगों ने सीना पे फेंस ले गए तो पुलिस वेपन्स को खींचा, एक्सचेंज ऑफ फायर में उन लोगों मर गए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, जैसा कि आपकी बेटी ने भी कहा कि जस्टिस कहीं ना कहीं कभी नहीं मिल सकता, नहीं बेटी आपकी वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसे जो क्राइम्स होते रहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको देशवासियों से क्या कहना है, कि आपको क्या लगता है कि क्या वो रिफॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस चीजों को बंद कर सकते हैं? बंद हम तो अपडेट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी अपडेट करना चाहिए, अवेयरनेस भी लाना है पूरा कॉलेज में, स्कूल में। पुलिस डे लगा के एक दिन आरोप लगा कैसा रहना है, उन लोगों का ऐसा जो ऐसा लोगों को ले लोगों से कैसा बिहेवियर रहना, उन लोग अगर फंस गए तो कैसा बाहर आना, ये 100 लगाया, 1122 लगाया, वो किसी को मालूम नहीं है। वो पूरा अवेयरनेस का कार्यक्रम हम लाना करके सोचते।